लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट के अलावा पंजाब की 3, उत्तर प्रदेश की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारा है। बड़ी बात यह है कि यूपी की जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें देवरिया और फिरोजाबाद शामिल है। प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज पर पार्टी ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। यूपी के जिन 2 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं वहां पिछले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत हुई थी। देवरिया में पार्टी ने मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शशांक के पिता प्रकाश मणि त्रिपाठी सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद लोकसभा सीट से मौजूदा चंद्रसेन जडौन का टिकट भी काट दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने क्षत्रिय चेहरे ठाकुर विश्वदीप सिंह पर दाव लगाया है। यूपी की जिन 75 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है उनमें से सिर्फ रायबरेली और कैसरगंज सीट पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। कहा जा रहा है कि रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के बाद भाजपा अपने पत्ते खोलेगी। वहीं कैसरगंज में मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि ब्रजभूषण चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।